सो हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सोकर उठा हूँ, काफ़ी लेट उठता हूँ आजकल, 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि सैटरडे आया था। संडे मस्त एंजॉय किया। गर्मी यहाँ भी बहुत हो रही है, बारिश यहाँ भी नहीं हुई है भाई। मौसम है बस ये है कि सुकून आता है रात को जब सोते हैं, एसी में नींद अच्छी आ जाती है, वो नहीं हो पाता है वहाँ पर। और वहाँ भी मैंने बात की थी तो बता रहे हैं फरीदपुर में भी बारिश नहीं हुई थी उस दिन सैटरडे को, जब बहुत बादल दिख रहे हैं। आपको ब्लॉग में देखा होगा, आंधी और तूफान आया था रास्ते में जब मैं आ रहा था। तो उठते हैं अभी, होते हैं रेडी फ्रेश। आज सोमवार है तो करनी है पूजा, मंदिर है पास में हमारा, वहाँ पूजा करने जाऊँगा। तो मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। सो आ गया हूँ नहाकर और जा रहा हूँ मंदिर पर पूजा करने। तो हो गई है हमारी थाली रेडी पूजा करने वाली, दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारी थाली पूजा करने के लिए। तो जा रहा हूँ मैं पास के अपने मंदिर में जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो आता हूँ पूजा करके फिर मिलते हैं। सो हो गई है पूजा और अभी मुझे करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे बैंक जाना है। बैंक में मैं थोड़ा केवाईसी की कुछ प्रॉब्लम है, केवाईसी अपडेट करानी है मुझे बैंक जाकर। और कल मेरा एग्ज़ाम है और वो पुमाया सिटी में है, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर होगी। वहाँ सेंटर है मेरा एग्जामिनेशन सेंटर, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है क्योंकि कल मॉर्निंग लिखना है और कल अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है। तो पहले तो करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं बैंक। सो गाइस, आ गया हूँ अभी मैं घाट, और बाइक बहुत गंदी थी तो मैंने सोचा बाइक भी धुलवा लेते हैं। तो वॉशिंग सेंटर पे बैठा हुआ हूँ अभी। उन्होंने एक फॉर्म दे दिया है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी उनके यहाँ, पता नहीं क्या नौटंकी रहती है SBI के ब्रांच में। फॉर्म दे दिया, बोले आप उसको फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और आना आपको भी पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, काम हो जाता तो मैं नंबर ले आया हूँ, उनको कॉल करके पता कर लूँगा कि कनेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही है, फिर सबमिट कर दूँगा अपना फॉर्म। तो कुछ नहीं, नॉर्मल सा फॉर्म है, दिखा देता हूँ। KYC अपडेट करने का फॉर्म होता है, तो ये वो फॉर्म है KYC डिटेल्स अपडेशन का फॉर्म। बोले इस फॉर्म को फिल करके आप आ जाइएगा क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक भी होगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब कनेक्टिविटी आएगी मैं नंबर लिए जाता हूँ, आपको कॉल कर दूँगा, आप बता देना मुझे तो मैं पहुँच जाऊँगा। तो काम तो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि कल है एग्ज़ाम हमारा। सो टाइम हो गया है 1:05 हो गया है लंच का टाइम। तो लंच में है हमारी खीर, मेरी फेवरेट है, आलू की सब्ज़ी है, ये है लौकी की सब्ज़ी और चपातियाँ। तो मैं फिनिश करता हूँ अपना लंच, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर पढ़ना है भाई। फर्स्ट पेपर है हिस्टोग्राफी का, वो कंप्लीट करना है पूरा, उसका जो भी गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं अब इवनिंग में। सो गाइस, उठ गया हूँ सोकर, टाइम हो गया है 4:05, थोड़ी देर अभी फिर से पढ़ूंगा। वैसे मैं पढ़ता हूँ, ये रखा है, ये रखिए क्वेश्चन बैंक, इसी से प्रिपरेशन करता हूँ अपनी। और कल एग्ज़ाम है, अप्रॉक्सीमेटली लॉन्ग आंसर्स आएंगे 10-5 करने होंगे, 3 या 4 ही रह गए हैं मेरे को पढ़ने के लिए, वो भी मैं पढ़ लूँगा आज इवनिंग में। अभी चलते हैं बाहर क्योंकि वॉलीबॉल का टाइम होने वाला है, कुछ देर में लड़के आएंगे, कुछ ऐसा पी के चलते हैं बाहर। सो गाइस, आ गया हूँ अभी मैं बाहर, वॉलीबॉल होने जा रही है लेकिन कोई अभी आया नहीं है। और मौसम अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है क्योंकि बादल आ गए हैं चारों तरफ। और जैसा कि वेदर कास्टिंग ऐप बता रहा था कि 20 तारीख से बारिश होगी, तो हो सकता है बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी तो सब सारे लड़के आ रहे होंगे वॉलीबॉल के लिए, ये पानी आपको दिख ही रहा है कितना ज़्यादा भरा हुआ है। तो होगी वॉलीबॉल, खेलेंगे वॉलीबॉल अप्रॉक्सीमेटली 1-8 घंटे, अगर बन गया तो चलेंगे ट्यूबवेल पर नहाने, वहाँ होगी मस्ती, फिर मज़े आते हैं, पूरा दिन मस्ती में कट जाता है। सो गाइज, आ गया हूँ ग्राउंड पर और वॉलीबॉल होने जा रही है, जो कोल्ड ड्रिंक और समोसे लगकर होगी, तो आप इंजॉय कीजिए इस मैच को और मैं खेलता हूँ।
सो गाइस टाइम हो गया है 9:15, आ गया हूँ वॉलीबॉल खेल कर, फर्स्ट क्लास नहाया हूँ, फ्रेश हो गया, अब करने जा रहा हूँ अपना डिनर, उसके बाद मुझे कवर अप करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 questions अपने, कल एग्जाम है मॉर्निंग, सुबह निकलना है, वेट हो रहा है हमारे डिनर का, आता है डिनर, करते हैं डिनर, फिर टहलने चलते हैं थोड़ी देर बाहर। सो आ गया है हमारा डिनर, डिनर में है तुरई की सब्जी और देसी घी लगी हुई रोटियाँ, साथ में कुछ फ्रूट्स, तो करते हैं अपना डिनर फिर चलते हैं बाहर टहलने। सो गाइस आ गया हूँ टहल कर और टाइम हो गया है 10:15, 2 questions रह गए हैं, अब उनको पढ़ लेता हूँ और मिलते हैं कल मॉर्निंग। इसी के साथ एंड करता हूँ आज के इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद जय हिंद की सेना।